नमस्ते पेरेंट्स, बच्चों के एग्जाम्स का टाइम है, काफ़ी स्ट्रेस का माहौल होगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सब मिलके बच्चों की एग्जाम्स के ऊपर जा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसके पार जा सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज हैं कुछ जो आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए है। हम चार चीज़ों की बात करेंगे, आपका माइंडसेट, आपके हस्बैंड का माइंडसेट, दूसरा बच्चे का माइंडसेट, फिर हम बात करेंगे कि बिना पढ़ाई के आप क्या क्या चीज़ों में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, और फिर पढ़ाई में आप बच्चों की क्या हेल्प कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके और आपके हस्बैंड के माइंडसेट की। देखिए, जब एग्जाम का टाइम होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। हम जब स्कूल्स में बच्चों से इंटरेक्ट करने जाते हैं, 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम से डरते हैं। फिर चाहे वो अच्छे नंबर लाएं, ना लाएं, ठीक लाएं, कुछ भी लाएं, एग्जाम का डर हर बच्चे में है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरी आंटी मुझे जब पूछेगी तो फिर मैं क्या बोलूँगा उनको कि कितने नंबर आए। तो ये सब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा घूम रहा होता है। एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लेगी टीचर, बहुत बच्चे एग्जाम में फ्रीज हो जाते हैं, लिख ही नहीं पाते, है ना। तो बच्चों को एग्जाम का डर बहुत ज़्यादा है और हमें वो समझना सबसे पहले ज़रूरी है। नंबर टू, आपको और आपके हस्बैंड को सेम पेज पे होना जरूरी है। आप आपस में बात करिए कि हमें उसको डांटना है कि नहीं डांटना है, उसको एनकरेज करना है कि नहीं एनकरेज करना है। दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बहुत डांट रहे हैं, दूसरे बहुत प्यार कर रहे हैं और दोनों की आपस में भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, बात करिए आपस में, है ना, नंबर टू। नंबर थ्री, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ों में बच्चा प्रिपेयर हो जाए। नंबर वन, वो बहुत मेहनत कर पाए एग्जाम के पहले, तरीके से मेहनत करे, दिल जान लगा के मेहनत करे, पहला। दूसरा, वो एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए, फिर वो नंबर वन आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ में एग्जाम्स तो बहुत सारी हैं। फिर वो टेंथ की हो सकती है, थर्ड की हो सकती है, सेवन्थ की हो सकती है, और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी, लाइफ में कोई प्रेजेंटेशन देना होगा बॉस के सामने, जो भी है वो अपना बेस्ट मेहनत करे और अपना बेस्ट दे पाए। हमें उसे इसी के लिए प्रिपेयर करना है, और इसके लिए हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका डर हटाना पड़ेगा, उसके डर को भगाना पड़ेगा। ये अगर आप इन दोनों चीज़ों में अगर आप मानते हैं तो फिर लाइफ बहुत सिंपल होगी, एग्जाम का स्ट्रेस आप हटा पाएंगे, बराबर। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं लगता है तो वो भी कमेंट करिए, डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चे के माइंडसेट पे। देखिए, बच्चा एग्जाम से काफ़ी डर रहा है, सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी तब होगी जब आप अपने डर बच्चों के सामने बताएंगे। आप उसको बताएंगे कि हम भी एग्जाम से डरते थे, हम भी एग्जाम से डरते हैं, और हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। आपके किसी ऑफिस की चीज़ों का बताइए, घर के किसी चीज़ों का बताइए, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उसके पहले आप शुरू में डरते होंगे कि अरे ये बहुत अलग गेस्ट आ रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन आप फिर धीरे धीरे उससे डील करना सीख गए। और आप क्या करते हैं, आप ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए। बच्चों को आप में एक दोस्त मिलेगा, और तगड़ा दोस्त मिलेगा, और वो आपके साथ अपनी डिटेल्स, अपने जो उनके डर हैं वो शेयर कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद आप ये बताइए उनको कि इस जंग में आप उनके साथ खड़े हैं, और दोनों मिलके इस एग्जाम जैसे मॉन्स्टर को आप हटाने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, उसको हराने वाले हैं, और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जर्नी में आप मिलके एंजॉय करेंगे, आप बस मेहनत करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। अगली चीज, रिजल्ट कुछ भी आए आप बच्चे के साथ खड़े हैं, ये भी बच्चे को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये बोल देंगे लेकिन आप इसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, तो बच्चे को लगेगा कि पेरेंट्स तो बोलते रहते हैं, वो सुनते तो है नहीं, फिर डांटने आ जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो फिर डांटने आ जाते हैं। इसी के लिए जब वो एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है और बहुत कड़ी भी मेहनत कर लेता है, उस दिन भी उसका फेवरेट खाना बनाइए, उसके लिए कुछ फेवरेट गिफ्ट दीजिए। अगर उसने मॉक टेस्ट दी और मॉक टेस्ट में रिजल्ट गंदा आया लेकिन उसने अपना 100% दिया, उस दिन भी उसको सेलिब्रेट कीजिए। आपके ये छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों का आप पे कॉन्फिडेंस और आपके साथ खुलना और एग्जाम का डर, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्जाम का डर कम हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब आते हैं नॉन एकेडमिक हेल्प,
मतलब कि बिना पढ़ाई वाली जो चीजें आप हेल्प जिनमें कर सकते हैं वो क्या क्या है। देखिए बच्चे का एक थोड़ा टाइम टेबल बनाने में उसकी हेल्प कीजिए, उसका एक टाइम टेबल होना तो अपने आप पढ़ाई की गति बढ़ते जाती है। सुबह इतने बजे उठना, 8 घंटे सोना ही सोना या 7 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही सोना, ऐसा नहीं कि रात रात भर जाग रहे हैं फिर अगले दिन पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, सही वाला स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। नंबर वन, नंबर टू टाइम टेबल की हमने बात करी ली, नंबर थ्री उसके खाने का भी एक स्केड्यूल होना चाहिए, हर दो दो तीन तीन घंटे में खा ले तो बेटर है, बहुत ज़्यादा खाने के बाद फिर इतनी ही नींद भी बहुत ज़्यादा आती है ना, तो हर दो दो तीन तीन घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना वो भी बहुत हेल्प करता है ना। नंबर फोर, हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का रूटीन एग्ज़ाम के रूटीन जैसा हो, मतलब बच्चा अगर एग्ज़ाम के टाइम पे मॉक टेस्ट देता है या कुछ पढ़ाई करता है तो वो बेस्ट है। एग्जाम का टाइम है 10 से 2 बजे तक और उस टाइम पे अगर वो हर दिन सुबह सोता है तो एग्जाम में भी नींद आएगी, तो वो रूटीन उसका मैच हो जाए वो हमें ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही काफ़ी हेल्प हो जाएगी, एक रूटीन में बच्चा आ जाएगा, चाहे वो थर्ड में हो, सेवेंथ में हो, टेंथ में हो, ये रूटीन से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब रही बात एकेडमिक हेल्प की, देखिए अगर आप पढ़ाई में उसकी हेल्प कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ बच्चे से पूछिए उसके कौन से स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है, उसका कौन सा टॉपिक बहुत मजबूत आता है, उस मजबूती वाले टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जो टॉपिक वीक है उन पे, बट सबसे पहले कॉन्फिडेंस उनमें आना जरूरी है जो एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरे को आता ही आता है, बात करिए उसके बारे में। जो टॉपिक वीक है उसके बारे में भी आप उन टॉपिक्स में उनसे पूछ सकते हैं कि क्या गड़बड़ है, और फिर उनको हेल्प के लिए आसपास किसी ट्यूशन में या अराइज मैथ्स तो है ही, वहां पे आ सकते हैं और उन छोटे वीक टॉपिक्स में उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, उसकी भी हेल्प करा सकते हैं। आपको सिर्फ उससे उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज पूछना है और वीक एरियाज पूछने हैं और उससे बात करनी है और फिर उसको सही डायरेक्शन देनी है, बस भले ही आप उसको बताएं कि वो टॉपिक क्या है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसको बताइए कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक की प्रैक्टिस करो, कितनी प्रैक्टिस करी, जाओ आप अराइज से प्रैक्टिस कर सकते हो या कहीं और से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर खराब टॉपिक है तो भी इसके लिए क्या कर रहे हो, डाउट सॉल्व किया क्या तुमने, क्लास में किसी दोस्त से पूछ लो, अराइज मैथ्स के पास भी जा सकते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ाई के बारे में भी कर सकते हो। देखिए कुल मिला के एक एग्जाम बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, आपके दिमाग में भी हो सकता है। सबसे पहले आपके दिमाग के पहाड़ को कम करिए और बच्चे को उस पहाड़ पे चलने का एक डायरेक्शन दीजिए, बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा, बहुत जंग है बच्चे की आगे, हमें उसको आगे की सारी जंगों के लिए प्रिपेयर करना है बस। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर पक्का कीजिए, आपके जैसे और बहुत पेरेंट्स हैं जो इससे डर रहे हैं, एग्जाम से डर रहे हैं, उनके बच्चे डेफिनेटली एग्जाम से डर रहे हैं, तो प्लीज़ ये अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है एग्ज़ाम का डर ये बच्चों में और पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा डर है और ये एक अलग टाइम है, तो प्लीज़ सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।